हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी इसकी वीडियो बना चुके हैं। तो पहला वीडियो में हमने क्या देखा था, तो पहला वीडियो है हम कैसे इसके पार्ट को इंपोर्ट करते हैं, कैसे फाइल को सेट करते हैं, कैसे जीरो जीरो लेते हैं। तो ऑलरेडी हम एक वीडियो बना रखा है, उसमें हम रफिंग भी किए हैं। तो जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा, पहला वीडियो देख ले, क्योंकि वीडियो में तभी समझ में आएगा आपको। अब इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, देखो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसमें हमने रफिंग कर रखा थे, तो हम किस पे चलाए, बुलनुस चलाया 50 का। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसकी रेस मशीनिंग करेंगे, जो जो मेटेरियल रह गया उसके बाद इसकी हम फिनिशिंग करेंगे, बाहर बाहर की कंटूरिंग करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे मेरा यहाँ पे 32 का मेरा यहाँ पे है, तो इसमें हम पहले 16 का मैं ड्रिल मारूंगा, ठीक है। ड्रिल मारने के बाद मैं क्या करूंगा, इसमें मैं बुल चलाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं 16 का बुल चलाऊंगा, फिर मैं इसमें एनमिल चलाऊंगा फिनिशिंग के लिए। तो उसके बाद जो मैं यहाँ पे ऑपरेशन है, मैं इसके ऊपर काम करूंगा। तो इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो में हर एक चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में, जो जो चीज़ें आपको सही है हर एक चीज़ आप इसमें देख पाओगे, ठीक है। तो इसमें मैं हर एक चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूंगा, कैसे हम इंडस्ट्री में लेते हैं, और इसके बहुत सारी छोटी छोटी शॉर्टकट बताऊंगा जो मशीनिंग करते हैं आपको, जब भी आप मोल्ड डिजाइन करते हो आपको पता होना चाहिए, वो चीज़ें आप मिस नहीं करना चाहिए। अगर वो चीज़ें आपको पता होती है तो आप आराम से मोल्ड डिजाइन कर सकते हो, आप मोल्ड डिजाइन के टाइम सेविंग कर सकते हो, अच्छा मोल्ड डिजाइन बन सकते हो दोस्तों। और एक चीज़ है, जिन लोग को पेड क्लासेस चाहिए, जिसको अच्छा प्रोग्रामिंग सीखना है, कंपनी लेवल में प्रोग्रामिंग सीखना है, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इस तरीके से मेरा क्लासेस चलते रहता है। आप देख रहे हो ये मोल्ड है, हमने मोल्ड डिजाइन में मोल्ड डिजाइन सिखाया, मोल्ड डिजाइन में मैं सिखाता हूँ फ्लिप टॉप कैफी। तो हम उसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाने के बाद उसके कैसे प्रोग्रामिंग करना चाहिए, जब हम मोल्ड डिजाइन करते हो तो प्रोग्राम क्या टूल चलेगा, कैसे चलेंगे, कितना हम टाइम सेविंग कर सकते हैं, कौन सा सही रहेगा, तो किस हिसाब से आप मोल्ड डिजाइन करेंगे, तो हर एक चीज़ें हम इस पर डिस्कस करते हैं। जो भी पेड क्लासेस वगैरह चाहिए जिसे मेंशन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर ले, और जो लोग मेरे को इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े वो इंस्टाग्राम में जरूर देख ले, क्योंकि वहाँ पर मेरा अपडेट वगैरह चलते रहते हैं, कौन सा काम चलता रहता है, कौन सा काम अभी चल रहा है, वो अपडेट वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी जो है मेरा व्हील ऑपरेशन हो चुका है, तो इसमें मेरे को अभी करना क्या है, तो पहले इसको मैं शेयर कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं देखूंगा, मेरा जो यहाँ पे डोगर में क्लिक करूंगा, तो अब देखोगे यहाँ पे मैंने एक्चुअली बाउंड्री नहीं लिया, जो मैंने बाउंड्री सिलेक्ट किया था ना, ये वाली बाहर वाले कॉन्टूरिंग, तो इसको सिलेक्ट नहीं किया, इसलिए इसने मैक्सिमम एरिया ले लिया है। तो अब जब भी इसको आप करोगे तो सबसे पहले आपको क्या लेना पड़ेगा, बाउंड्री लेना है, ठीक है। तो बाउंड्री क्या करेंगे हम, जो अपनी बाउंड्री है, जो मैंने आपको बताया था ना, जो मेरा कटर चलेगा उसका हाफ, ठीक है, ऑप्शन मारने के लिए, तो हम यहाँ पे बाउंड्री ले लेंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। बाउंड्री लेने के बाद इसको आप ओके कर दो, इसको फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, थोड़ा सा सिस्टम आपको स्लो चलेंगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे बिल ऑपरेशन करना है। तो बिल ऑपरेशन करने से पहले हमेशा बाउंड्री लेके चलना है, ठीक है, तभी आपकी जो एरिया होती है, सर्टेन एरिया में आप काम करना चाहते हो तो उस एरिया में आप काम कर पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमेशा बिल ऑपरेशन करने से पहले आपको बाउंड्री लेना जरूरत है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो 28% 40% हो रहा है, तो एक्चुअली जो आपका ऑपरेशन है वो बिल्ड हो रहा है। अब आप देखोगे आपका जो भी ऑपरेशन है इस बाउंड्री एरिया में काम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बाहर बाहर कटिंग करेंगे, रफिंग करेंगे, फिर इसके हम सेमी फिनिशिंग करेंगे। मैं आपको हर एक चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगा, जैसे मैं प्रोग्रामिंग करता हूँ उस तरीके से मैं कंपनी, जिस तरीके से मैं देख रहे हो आप, जो मेरा बाउंड्री है उस एरिया में ये कटिंग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे लीड इन है, यहाँ से लीड आउट है, तो आप देख पा रहे हो दोनों पॉइंट जो है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हम रफिंग है मेरा बाहर जो है, उसके बाद जो है हम एयर ऑपरेशन करेंगे। तो एयर ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, फिर वही थ्री आप ऑपरेशन में जाना है आपको, फिर हम रफिंग में गया, तो सबसे पहले हम कितना 50 का टूल चलाया, ठीक है। अब उसके बाद हम फिर से दोबारा एयर लेंगे, टूल लेंगे, अब अपना जो है बोल चलाएंगे, ठीक है, बुलनोस चलाएंगे। अब मैं 60 का चला रहा हूँ, तो 60 चलाएंगे तो संग डैमेज 60 होगा आपका, जो कॉर्नर रेडियस होगा 0.8 का लेंगे हम, ठीक है। इस तरीके से अगर प्रोग्रामिंग सीखना है तो आप ये वैल्यू से भी आप कर सकते हो, जो मैं इंडस्ट्री में करता हूँ लाइक उसी तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे सेमी फिनिश लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम अगर रफिंग करना है तो रफिंग कर सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है, तो यहाँ पे हम सेमी लेंगे। तो दोस्तों इसको मैं ओके कर लेता हूँ, ओके कर देते इसको भी। तो यहाँ पे दोस्तों मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन हो गया, उसके बाद भी आपको यहाँ पे क्या करना है, बाउंड्री सिलेक्ट करना है, हमेशा ये ध्यान रखना है। तो बाउंड्री मेरा क्या हो जाएगा, ये पहले हमने रफिंग करा, अभी जो हम सेमी फिनिशिंग करेंगे, साइड अलाउंस हम 0.3 का रखेंगे फिनिशिंग के लिए, और यहाँ पे स्टेप डाउन 0.2 काफी होते हैं सेमी फिनिशिंग के लिए, ठीक है। और यहाँ पे रीमशीनिंग सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे जो आपको ऑपरेशन होगा, किस ऑपरेशन को आपको सेमी फिनिशिंग करना है, जो हम उसको रफिंग को सिलेक्ट कर लेंगे, ये जरूरी होता है, जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करता है उसको पता होगा, जो लोग सेमी फिनिशिंग चलाते हैं किसको सेमी फिनिशिंग चलाना है उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। अगर अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है तो हमेशा इसको पॉज करके भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रैंपिंग कर लूंगा, और यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस में कितना करूंगा,
5 mm कर दूंगा, और यहाँ वर्टिकल लूंगा, यहाँ पे अभी हम वर्टिकल ले लेंगे, ठीक है, सॉरी मैंने वर्टिकल लेना था इसमें, तो यहाँ पे जो मेरा वर्टिकल रेडियस है इसको मैं कर दूंगा 4 का, और इधर भी मैं इसको कर दूंगा 4 का, फिर इसको हम ओके कर देंगे। उसके बाद अपने को क्या करना है, ऑलरेडी हमने बाउंड्री ले लिया है, तो यहाँ पे हम इसको बिल ऑपरेशन कर देंगे। बिल ऑपरेशन में थोड़ा सा टाइम लगेंगे, ज़्यादा आपको फास्ट काम नहीं करना है, आराम आराम से करना है, रनिंग होगा, कभी कभी जब आप फिनिशिंग चला तो उसमें टाइम लग जाती है, तो मैं वीडियो को कर लेता हूँ पॉज। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरा 81% हो गया है, तो उसके बाद जो है हम देखो यहाँ पे एक चीज आपको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ड्रिल करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वैसे तो बेसिकली मेरा यहाँ पे क्या है, स्लॉप टाइप का है, तो अगर मैं इसकी मशीनिंग करूंगा फिर मैं ड्रिल करूंगा तो ये वाला एरिया मेरा वीक हो जाएगी, है ना, टूटने का चांस है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस, पहले तो मैंने आपको बार बार का कॉन्टूरिंग कर दिया, अब एक चीज ये ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे मेरा को रेडियस छूट जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या रेडियस नहीं डाला, ठीक है, यहाँ पे मशीनिंग कटर चलेगा तो यहाँ पे तो रेडियस रह जाएगी, मान लो मैं यहाँ पे 10 का कटर चला रहा हूँ तो मेरे पास के तो रेडियस आएंगे ही, तो यहाँ मेरे को कटर छोटा करना पड़ेगा फिर भी तो रेडियस आएंगे ही। तो नेक्स्ट चीज ये है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा यहाँ पे 100% हो जाने दो, उसके बाद मैं इसकी ड्रिलिंग करूंगा। ड्रिलिंग इसलिए करना है क्योंकि यहाँ पे एरिया मेरा स्लोप में है, तो यहाँ पे मेरे को दिक्कत आ सकती है, तो पहले मैं ड्रिलिंग करूंगा फिर उस फेस के ऊपर जो है मैं काम करूंगा, फिर फेसिंग वगैरह करूंगा इस फेस के ऊपर। तो ड्रिलिंग करने से पहले देखो, ड्रिलिंग करने से फायदा क्या है, जो यहाँ पे मैं पॉकेटिंग करूंगा, पॉकेटिंग करने से पहले ड्रिल करना चाहिए इस एरिया में, क्यों, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली आपका 32 mm डायमीटर का है। अगर आपको डायमीटर देखना है किसी होल का तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आपको होल देखने के लिए हम जाएंगे, मैं इसको कंट्रोल FNF4 कर दिया, FNF4 करके इसको आप देख सकते हो, अगर डायमीटर चेक करना है तो यहाँ पे मेजर में जाओ आप, उसके बाद ई में जाओ, यहाँ पे जाके उसको एरिया में क्लिक कर दो बस, तो यहाँ पे 31.18 का है। तो इस तरीके से आप एनालाइज करना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। मैं क्या करूंगा इस केस में, मैं इसको सरफेस एनालिसिस से भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी जाके क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी, है ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये 15 पॉइंट, ये आपका आ रही है वाली 15 पॉइंट, ये तो रेडियस में आ गई, तो दोनों में देख सकते हो, रेडियस में देखना है आपको, डायमीटर में देखना है, आप दोनों में देख सकते हो। तो मैं पहले क्या करूंगा, इसकी जो है मैं ड्रिलिंग करूंगा, उसके बाद जो मैं इसको बार बार करूंगा। ड्रिलिंग करने से फायदा क्या होगा, अगर मैं देखो ये मेरा हो गया ऑपरेशन, अब इसको मैं एफ4 कर देते हैं और इसको मैं हटा देता हूँ पहली बार में, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिलिंग करने से फायदा क्या होगा, जब मैं ड्रिलिंग करूंगा इसकी, तो फायदा यही होगा, जो मेरा मेन थिंग है, मेरा जो मेन ऑब्जेक्ट है, पहले तो मेरा मशीनिंग इजी हो जाएगी, टूल टूटने का चांस कम हो जाएगा, और मेरा बहुत जल्दी भी मशीनिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से पहले हम ड्रिलिंग करेंगे, तो सबसे पहले ड्रिलिंग करने से पहले मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे जाऊंगा मैं, उसके बाद जो है मैं प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस ले लूंगा, क्योंकि मेरा नीचे से सरफेस है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, फिर इससे जो जो प्रोफाइल है आउटर बाउंड्री, जो जो मेरा बाउंड्री निकल गया ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑन करंट वर्क प्लान करना है, क्योंकि हम नीचे सिलेक्ट कर रहे हैं, फिर इसको मैं ओके कर दूंगा। जैसे ओके करूंगा यहाँ पे जितना भी मेरा होल्स है तो मेरा यहाँ पे वर्क प्लान में आ जाएंगे, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे जो जो नहीं सही है आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो ये डस्टबिन देख रहे हो उसको सिलेक्ट करना है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आइकन से याद रहते हैं, तो मैं आपको आइकन से बता रहा हूँ। अब मेरे को कितना होल है मेरे को पता लग गया है, अब मैं क्या करूंगा इसकी सेंटर निकालूंगा, राइट। तो दोस्तों जैसे अभी मेरे को यहाँ पे ड्रिल के पकड़े में करूंगा, तो ड्रिल करने से पहले मैं आपको कुछ कुछ चीजें जो है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मेरा कितना का है, 32 का है, ठीक है ना, तो मेरे यहाँ पे पॉकेट है 32 का है, तो मैं यहाँ पे पिलर लगाऊंगा, है ना, तो मैं यहाँ पे पिलर जो है डायमीटर है 32 का है, तो 32 का होगा तो सबसे पहले मैं कितने का ड्रिल लगाऊंगा, 16 का मैं ड्रिल मारूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, बुल कटर चलाऊंगा, बुल कटर मतलब जिसमें इंसर्ट लगा के हम कटिंग करते हैं, तो मैं 16 का बुल चलाऊंगा, जिसमें मैं 0.1 छोड़ दूंगा, और फाइनल में चलेगा जो 0.1 हुआ जो मेरा फिनिशिंग के लिए है, इसमें मैं एनमिल चला दूंगा। तो इसी तरीके से जो है आपको जहां पे पॉकेटिंग है इसी तरीके से आपको पॉकेटिंग करना है, और आपको ये तीन कमांड से कोई भी पॉकेटिंग हो कैसा भी हुआ हो जहां पे आपको इंसर्ट लगानी है तो इसी तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जाके जो भी चीजें हैं आपको सिलेक्ट कर देना है, बाकी सब चीजें हाइड हो जाएगी। तो मैं प्रोफाइल यहाँ पे लूंगा, फिर मैं ब्लैक कंट्रोल कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर दूंगा जो जो जहाँ पे आपको करना है वहां आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं पहले आपको सारा चीजें दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आउटर बाउंड्री और यहाँ पे प्रोफाइल इसको नो कर दूंगा और यहाँ पे ओके कर दूंगा। जैसे ओके कर दोगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, आप जो है येलो कलर का जो है अब बाउंड्री देख पा रहे हो। तो यहाँ पे राइट क्लिक करना है, जाना है एड मेटेरियल फीचर्स में जाना है, उसके बाद इसको सिलेक्ट करना है आपको जहां जहां आपको ड्रिल करना है, इसको मैं ओके कर दूंगा। तो सारों को सिलेक्ट करना है आपको, यहाँ पे ओके कर देना है।
ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे रील डायरेक्शन जो है आपको नीचे की तरफ है, डायरेक्शन आपको चेक करना है। यहाँ पे मैं कितने हाइट चलाऊंगा, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं 65 का चलाऊंगा, तो यहाँ पे 35 का मेरा प्लेट है और जो डायमीटर लगाऊंगा मैं आपको कितने बोला था, 16 का चलाने के लिए बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे हम 16 का चलाएंगे, ठीक है, 9-1 लगाएंगे। तो यहाँ जो है मेरा यहाँ पे खोल के आगे राइट क्लिक करेंगे इसको, उसके बाद जो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एड ऑपरेशन करूंगा, एड ऑपरेशन में जाऊंगा, यहाँ मैं ड्रिल में ले लूंगा, ठीक है, ओके कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो यहाँ पे मेरा ड्रिल जो है ऑपरेशन आ गया है। तो आप सिलेक्ट करके पार्टिकुलर हर एक ऑपरेशन को देख सकते हो। इसको मैं राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको मैंने बताया था डेप्थ की जगह हम यहाँ लेंगे 50 mm डेप्थ मेरे नीचे की तरफ काटेंगे, और जेड मेरा कितना होगा जो आपको जेड रखना है यहाँ पे आप रख सकते हो जेड को। मैं यहाँ पे लेट से आप स्क्रोल से भी कम ज्यादा कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं स्क्रोल से कर रहा हूँ। यहाँ पे नॉर्मल की जगह मैं यहाँ पे पैकिंग कर दूंगा, तो यहाँ पे पैकिंग जो है मैं 1 यहाँ पे इसको 1 कर दूंगा मैं, और यहाँ पे भी 1 कर दूंगा। तो दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे मेरा अभी क्लास चल रहा था तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, तो बीच बीच में मेरे को वीडियो पॉज करना पड़ रहा है किसी चीज को समझाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे हम पैकिंग करते हैं, पैकिंग में होता क्या है, जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे 1 mm पैकिंग करा, जैसे मेरा ड्रिल 1 mm डाउन जाएंगे, फिर उसके बाद जो है मैं पैकिंग 1 mm ऊपर जाएंगे, फिर मेरा जो है यहाँ पे 1 mm नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से जो है हम पैकिंग करते हैं, तो यहाँ पे ड्रिल को पैकिंग करना पड़ता है। और जहाँ यार जो मेरा क्लियरेंस प्लान है इसको मैं कर दूंगा 50 mm का, और यहाँ पे सेफ्टी डिस्टेंस जो है हम 5 का रख देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इसको ओके कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे सिंपली जाना है बिल ऑपरेशन में जाके बिल कर देना है आपको। तो इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेंगे, तो यहाँ पे मेरा हो गया है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, मेरा यहाँ पे तो पहले मैंने किया ड्रिल करा, अब मेरे को क्या चलानी है, बुल चलानी है। अब यहाँ पे मैं इसको जो है प्ले सिमुलेशन कर देता हूँ, तो आप यहाँ पे ऐसे देख पाओगे जैसे मैंने आपको बताया था पैकिंग में क्या होती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ड्रिल हो जाएगी, ठीक है। तो आपको देखना है तो एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ कैसे इसको ऑन करना है। या आप इस तरीके से स्पीड वगैरह कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी टाइम लग जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो दोस्तों दूसरा चीज इसमें होती है यहाँ पे मैं राइट क्लिक करा, एड ऑपरेशन करा, अब मेरे को कौन सी चलानी है, मैं जाऊंगा कॉन्स्टेंट जेड चलाऊंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे जो मेरा टूल होगा बुल चलाऊंगा, मैं 16 का लूंगा, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था हम बुल चलाएंगे, सेम चला 16 का मैं ड्रिलिंग करा था, यहाँ पे 16 का मैं टूल चलाऊंगा, तो कॉन्स्टेंट जेड हो जाएगी। यहाँ पे बाउंड्री सिलेक्ट करने के लिए आपको बताया था, ऑलरेडी मेरा जो बाउंड्री होगा इसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप कोई कोई लोग नया देख रहा होगा, ऑलरेडी ये 8-9 क्लास हो चुका है। तो स्टेप डाउन जो है मैं 0.2 रखूंगा यहाँ पे, और हेलिकल ले लूंगा मैं, लिमिट वगैरह जो है यहाँ पे एज इट इज रहने दूंगा, ऑलरेडी मेरा सिस्टम जो है चूज कर रखा है। लिंक वगैरह में आपको वही जो है लीड में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे मैं सेफ्टी डिस्टेंस कुछ ले लूंगा 50 mm का जो है, यहाँ पे 5 mm, और यहाँ पे एक्सेल लूंगा, यहाँ पे भी मैं एक्सेल ले लूंगा मैं, ठीक है। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। अभी मेरा हेलिकल भी हो गया, तो इसको मैं कर दूंगा एडिट बाउंड्री, क्योंकि बाउंड्री आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से भी डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो, वहां से भी सिलेक्ट कर सकते हो आप राइट क्लिक करके, फिर मैं बिल ऑपरेशन कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बिल ऑपरेशन जो है जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रिलिंग हो रहा है आपका, तो यहाँ पे जैसे 13% हो ही गया मेरा। तो इसी तरीके से मैंने क्या कहा, पहले मैंने जो है ड्रिल चलाया, ठीक है, साइकिल ड्रिल चलाया, फिर मैंने इसको बुल चलाया, अब जो मैं इसमें एनमिल चलाऊंगा फिनिशिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 39% हो गया, फिर मैं जो है दोबारा इसकी एयर ऑपरेशन करूंगा। उससे पहले जो है आपको कॉन्स्टेंट जेड में जाना है, तो आपने आज 3 कमांड सीख लिए, तो यहाँ पे फिर एड में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा एनमिल चलानी। एनमिल कितने का चलाओगे आप, टूल डायमीटर जो है हम ये भी आपको ध्यान रखना है, 10 का चला दो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम कर देंगे फिनिश में। तो पहले हमने कितना रखा था, 0.1 हमने रख दिया था, तो यहाँ पे आप इसमें 0.0 कर सकते हो। तो ऑलरेडी हमने 0.1 का जो है पहले वीडियो में रख दिया था, जो मेरा बुल नोस है उसमें हमने रख दिया था, लेकिन इसमें हम जो है इसको 0.0 कर देंगे, ठीक है। तो अभी जो है दोस्तों हमारा कॉन्स्टेंट जेड हो गया, यहाँ पे हमने एनमिल चला दिया है, और यहाँ पे बाउंड्री बॉक्स में कितना अलाउंस वगैरह रखना है इसमें मैं 0.0 कर दिया है, और यहाँ पे स्टेप डाउन जो है 0.2 का रख देंगे। बाउंड्री में आपको यहाँ पे हम मैनुअली सिलेक्ट करके दिखा रहे हैं, लास्ट टाइम आपको मैंने एक बार में सिलेक्ट किया था, तो आपको दोनों तरीके से आप दोनों तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि हम जो है कंपनी लेवल में सीख रहे हैं, है ना, कोई इंस्टीट्यूट वाला ट्रेनिंग नहीं हो रही यहाँ पे। तो इसमें हम जाके सेफ्टी डिस्टेंस हम 50 mm रख लेंगे, ऑलरेडी हमने लिया था,
यहाँ पे भी हम 5 ले लेंगे एक्सेल, और यहाँ पे एक्सेल ले सकते हो, लेकिन तो भी है आप रख सकते हो, ओके कर दो। उसके बाद तो इसको भी हम राइट क्लिक करके बिलो प्रेसिंग कर देंगे, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम लगेंगे। फिर उसके बाद जो है इसको हम सेव कर लेते हैं। कभी भी प्रोग्राम बनाओ हमेशा 5-5 मिनट में सेव करते जाओ, क्योंकि क्या होती है कभी कभी लोग क्रैक सॉफ्टवेयर वगैरह यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होती है सिस्टम जो होती है क्रैश हो जाती है। तो जब भी ये हो उसके बाद इसको आपको सेव कर लेना। तो थोड़ा सा टाइम लगेंगे, मैं इसको पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों आपने समझ में आ गया, तो होल वाले केस में कैसे करोगे, जहाँ पे आपको कोई गाइड पिलर होते हैं, गाइड पुश होते हैं, गाइड इंसर्ट होते हैं, उस केस में क्या करना है, पहले आपको ड्रिल करना है, ड्रिल साइकिल चलाना है, फिर आपको बुल चलाना है, बुलनोस चलाना है, हेलिकल मैंने ले लिया ऑपरेशन, नेक्स्ट मेरे को एन मिल चलाया। तो इसी तरीके से कोई भी होल हो, कोई भी इंसर्ट हो, आप इसी तरीके से काम कर सकते हो। ये परफेक्ट वे है काम करने का, ठीक है। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके इसको हम सेव कर लेंगे। आपको इस तरीके से जाके इसको जहाँ पे लोकेशन देना है उसके अकॉर्डिंग इसको आप सेव कर लो, ठीक है। तो अभी अब दोस्तों में क्या करेंगे, इसमें हम जो है इसकी रेस मशीनिंग करेंगे। पहले हम सेमी फिनिश करेंगे, फिर इसकी रेस मशीनिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे इसको हम डुप्लीकेट करेंगे, जो मेरा हेलिकल है यहाँ पे, अगर डुप्लीकेट करना है तो इसका हम डुप्लीकेट भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको डुप्लीकेट बना सकते हैं, मतलब ये सेम ऑपरेशन है कहीं और जगह चलाना है, तो मैं इसकी जो इंटरनल वैल्यूज वगैरह है वो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको यहाँ पे ऐड कर दो, तो इसकी आप डुप्लीकेट बना सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अभी अपने को क्या काम है, इसको मैं हटाई देता हूँ, ठीक है। इसको बिल करना है या मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इसी तरीके से अगर डुप्लीकेट भी बनाना है तो उस प्रोग्राम को डुप्लीकेट बना सकते हो, क्योंकि बार बार सेम चीज आपको लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब हम इसकी जो ऊपर की सर्फेस है, जो आप ये वहाँ पे ऊपर की सर्फेस देख रहे हो, तो इसके ऊपर पहले हम क्या करेंगे, सेमी फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसकी रेस मशीनिंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं जो ऑपरेशन है वो ऐड करूंगा। अब देख पा रहे हो यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड लेना है, फिर 3D ऑपरेशन में जाना है। यहाँ पे ये आपकी सेमी फिनिशिंग में काम आता है, कॉन्स्टेंट जेट जो होती है, इसको मैं ओके करूंगा। तो यहाँ पे जो हम क्या लेंगे, बुल लेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरे को ज्यादा एरिया कटिंग करना है। यहाँ पे पीस में जाके सिलेक्ट करके ओके करना है। तो यहाँ पे इसको कहाँ ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे इसको मैं इधर ले जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा। अब ड्रैग भी कर सकते हो इसको। यहाँ पे क्या करना है, एडिट बाउंड्री लिस्ट, जो बाउंड्री है हमने बाउंड्री ले लेंगे। ऑलरेडी मैंने आपको बताया जितने का टूल चलाओगे आपको उतने का चलाना पड़ेगा। यहाँ पे अलाउंस में हम क्या करेंगे, 0.1 रख देंगे। हम इसको रेस मशीनिंग में काम कर लेंगे, इसको जेट लेवल रहेगा हमेशा। यहाँ पे स्टेप डन 0.2 रखना है, और यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो इसको मैं ओके कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है, लिंक वगैरह जो भी है क्लेम करना है या कमेंट चलन करना है, जिकजेक करना है, उसके अकॉर्डिंग आप। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जिकजेक लिया था, तो क्लेम में क्या होती है, जैसे मेरा कतर होती है, यहाँ पे मैंने टूल चलाना है, तो यहाँ पे एंट्री हुआ, यहाँ से जाएंगे, यहाँ पे एग्जिट हो जाएगा, फिर एंट्री इधर से लेंगे, तो इसमें मेरा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो इसमें जैसे कन्वेंशनल होती है, इसमें क्या होगा, उल्टा हो जाएगी। और जो आपके जिगजैग होती है, इसमें बहुत टाइम आपको सेविंग होता है। मेरा यहाँ से एंट्री होगा, इधर से गया, फिर इधर से फिर एंट्री होगा, तो इसमें क्या होगा, फिर जैसे मेरा यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग में क्लेम था, तो यहाँ से एंट्री हुआ, इधर से फिर टूल चला, फिर इधर से एग्जिट हुआ, तो इसमें मेरे को क्या टाइम बहुत ज्यादा लगेंगे। तो यहाँ पे हम जिगजैग चलाएंगे, इधर से एंट्री हुआ, फिर इधर से डाउन होगा, फिर इधर से चलेगा, फिर इधर से डाउन होगा, मतलब क्या होगा, कंटिन्यूअसली प्रोसेस होगा जो चलते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेफ्टी डिस्टेंस कुछ लेना पड़ेगा आपको, जो भी जिसको सेफ्टी डिस्टेंस है, इसको हम 5 रखेंगे, वर्टिकल वर्टिकल कर देंगे दोनों को। यहाँ पे 4 mm काफी होती है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा फिनिशिंग में आ रहा है, सेमी फिनिशिंग हो रही है। राइट क्लिक करेंगे और इसको हम जो है बाउंड्री लिस्ट में जाके सिलेक्ट करेंगे, जो भी प्रोफाइल है राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, फिर हम इसको जो है यहाँ पे जाके मैं बिल्ड ऑपरेशन कर दूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा बिल्ड ऑपरेशन टाइम लगेंगे, क्योंकि मेरा सरफेस बड़ा है। उसके बाद जो आपको सीधा इसको सेव कर लेना, हर एक 5 मिनट में फाइल को सेव करना होगा आपको। तो मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा ऑपरेशन बिल्ड हो रहा है, तो इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ। जैसे मेरा पहले रफिंग हुआ, तो रफिंग में मेरा क्या हुआ, बाहर बाहर का हमने रफिंग करवाया, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या करा, रेस्ट मिलिंग करवाया, यहाँ पे मैंने रेस्ट मिलिंग करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने रेस्ट मिलिंग करवाया, रेस्ट मिलिंग में मेरा क्या हुआ है, अब ये हो रहा है, तो इसमें प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे रेस्ट मिलिंग हुआ, यहाँ पे भी मेरा क्या हुआ है, कतर घुस गया। ड्रिलिंग में उसको अलग से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे करने का मुझे जरूरत क्या, यहाँ पे मेरा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इसको मैं ना यहाँ से हटा दूंगा। ये जो मेरा 4 ऑपरेशन होगा, अब यहाँ पे ये हो रहा है, इसको होने दीजिए, तो इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा। इसमें मेरा क्या होगा, टाइम सेविंग होगा। मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, जैसे यहाँ पे मेरा ये है कॉन्स्टेंट जेड है, देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट जेड में यहाँ पे घुस गया है, तो यहाँ पे मेरे को जरूरत नहीं है। बेसिकली क्या है, मैं यहाँ पे ड्रिल साइकिल अलग से चलाया हूँ, तो यहाँ पे मेरा टाइम सेविंग हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज है जो आपको समझ में आना चाहिए, तभी जो है अच्छा एक प्रोग्रामर आप बना पाओगे, अच्छा प्रोग्राम बना पाओगे आप। तो यहाँ पे क्या करना है आपको,
एडिट बाउंड्री में जाना है, तो यहाँ पे जैसे बाउंड्री है, जो जो बाउंड्री आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं इसको बाउंड्री को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबा लो, फिर उसको आप डिसलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने पहले एस्केप कर लेता हूँ एक बार, यहाँ पे राइट क्लिक कर लूंगा, बाउंड्री परसेस 42 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे जो मेरा बाउंड्री है इसको हटा दो, क्योंकि ऑलरेडी आपने जैसे आउटर बाउंड्री ले लिया था तो ये ऑलरेडी सिलेक्ट था, तो इसको आपको हटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफाइल में हम इसको हटा देंगे, जो भी आएगा आपको एक एक करके आपको इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हमने सिलेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, इस एरिया के अंदर जो है टूल नहीं घुसेगा। अब आप इसको देखोगे, जैसे मैं इसको अगर बिल कर दूंगा तो आप इसमें देख पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको बिल होने देते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, और उसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो अभी जो है कतरा आपका नहीं घुस रहा है, तो आपको समझ में आ गया है अगर उस केस में कैसे बनानी है, कहीं पे बाउंड्री में आपको काम नहीं करना होता है तो इस तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले मैंने वो किया, रफिंग किया, बार बार रफिंग करा, उसके बाद मैंने रफिंग कौन से चलाया, बुलनो चलाया, कितने का चलाया मैंने, यहाँ पे 50 का डायमीटर का चलाया, ठीक है। तो मैंने 25 का ऑफसेट लिया, एक बार मैं रिविजन कर देता हूँ आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद मैंने क्या चलाया, सेमी फिनिश चलाया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रफिंग करा, फिर हमने रेस मशीनिंग करा, तो यहाँ पे मैंने रेस मशीनिंग कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सेमी फिनिशिंग करवाया, कितने का, बुलनो चलाया 16 का। अब मैं इसमें एनमिल चलाऊंगा फिनिशिंग के लिए, ठीक है। जैसे मैंने ड्रिल को पहले किया करा, मैंने पहले ड्रिल साइकिल चलाया, फिर उसके बाद मैंने किया बुलनो चलाया उसको, ठीक है, 16 का चलाया, उसके बाद मैंने एनमिल चलाया फिनिशिंग के लिए। तो इस केस में भी एनमिल जो मैं 0.1 जो बाहर में मैंने स्टॉक रख दिया था उसको फिनिशिंग के लिए मैं यहाँ पे एनमिल चलाऊंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर उसके लास्ट में जैसे मैं इसका फिनिशिंग कर दूंगा, लास्ट में इसके आपको मैं एनिमेशन करके दिखाऊंगा, इसका मैं आपको काइनेमेटिक दिखाऊंगा, टूल कैसे चल रहा है, कितना कटिंग हो रहा है, क्या पे फिनिशिंग का प्रॉब्लम आ जाएगा, सारा चीज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ मैं 3D ऑपरेशन में जाऊंगा, कॉन्स्टेंट जेट में जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। अब जो है हम फिनिशिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं 10 का ले रहा हूँ, यहाँ पे इसको ड्रैग कर दो ऊपर तक, मैं 10 का ले रहा हूँ, राइट क्लिक करना है आपको, यहाँ पे बाउंड्री लेना है, जो भी बाउंड्री आपका है, बाउंड्री बार वाला लेंगे हम। तो यहाँ पे जो जो होल है, जिसमें जिसमें आपको काम नहीं करना है, तो इसको आप डिसलेक्ट कर लो, ठीक है। कंट्रोल दबा लेना, मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा रहा हूँ आपका, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको आ जाएंगे, आगे पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जितना भी है इसको हम ओके करके, आपको ध्यान रखना है हेलिकल ले लेंगे इसको, और यहाँ पे स्टेप डाउन जो है 0.2 का ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसे। और यहाँ पे अपना जो वैल्यू है इसको हम ओके कर लेते हैं, फिर यहाँ से स्टेप डिस्टेंस ले लेते हैं, और यहाँ पे 50 ले लेते हैं, एज इट इज, एक्सेल ले लो, वर्टिकल ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ओके कर लेते हैं इसमें। उसके बाद जो है हम इसकी बिल ऑपरेशन कर दिया, ऑलरेडी हमने बाउंड्री सिलेक्ट कर लेते हैं, और इसको थोड़ा सा बिल ऑपरेशन में टाइम लगेंगे, क्योंकि ये अपना फिनिशिंग टूल है, ठीक है। तो हमने बाहर का फिनिशिंग कर लिया, ड्रिलिंग का फिनिशिंग कर लिया, अब अपने को क्या है, जो उसके ऊपर वाले सरफेस है उस पर हम रफिंग करेंगे, ऑलरेडी थोड़ा सा रफिंग हो रखा है, फिर उसके हम सेमी फिनिशिंग करेंगे, मतलब रेस्ट मशीनिंग करेंगे, फिर सेमी फिनिशिंग करेंगे, फिर जो है हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। तो पूरा वीडियो मिलेगा इसको, ऑलरेडी हम इसके सेक्शन वाइज बना रहे हैं, क्योंकि अभी जो क्लास चल रहा है ऑनलाइन हम उसके अकॉर्डिंग बना रहे हैं। तो अभी जैसे दोस्त देख रहे हो यहाँ पे मेरे कितना का रेडियस है, क्या है इसकी, मैं जो बाउंड्री निकल कर आना है मुझे, इसके अंदर मुझे काम करना है, तो इस तरीके से हम इसकी जो है बाउंड्री प्रोफाइल निकाल सकते हो आप डायरेक्शन वगैरह दे के, ठीक है। तो ये तरीका होता है, एक एक कर लेता हूँ मैं सारे को, ठीक है। इसी तरीके से आप उसकी बाउंड्री निकाल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा ये एक घंटे का प्रोग्रामिंग है, अगर इसको मैं बैठ के करने कर लूँ, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर मैं इसको बैठ के करने लग जाऊंगा 20 से 25 मिनट में इसकी प्रोग्राम बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसके हम कर देंगे ऐड ऑपरेशन, ठीक है। तो ऐड ऑपरेशन में जाएंगे, इसकी जो है हम जाएंगे फिर फिनिशिंग में जाएंगे, ठीक है। फिनिशिंग में जाके ओके कर दूंगा मैं। यहाँ पे फिर टूल लेना है, तो टूल हम कौन सी लेंगे, ऐड टूल करेंगे, कौन सी लेना है अपने को, यहाँ पे बॉल नोस लेना है, ठीक है। और यहाँ पे डायमीटर कितना, टूल डायमीटर कितने का लेगा, मैं सेकल लूंगा क्योंकि मैं फिनिशिंग में जा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम जो है टूल जो स्पिंडल स्पीड वगैरह है कैसे करना चाहते हो, तो यहाँ पे फिनिशिंग लिखना है आपको, क्योंकि आप फिनिशिंग कर रहे हो, तो इसको मैं ओके कर लेता हूँ। तो यहाँ पे स्टॉक को सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपको पीस है उसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे रस्तर कर, इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि डील हम लास्ट में करेंगे। तो इसको ड्रैग करके आप डन कर सकते हो, जो पासिस वगैरह है इसकी बाउंड्री सिलेक्ट करना है अपने को। तो बाउंड्री में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, जो भी मैंने स्केच बनाया। अब इसको हाइट करके भी काम कर सकते हो, जो भी आपको हाइट, अभी ऑलरेडी मैंने हाइट कर दिया, ऐसे भी कर सकते हो। साइज अलाउंस वगैरह इसको ऑन रख दो, और यहाँ पे जीरो कर देंगे, और इसको स्टे ओवर 0.2
05, ठीक है। तो ये फिनिशिंग चल रहा है, और जो स्ट्रोक एंगल है 30 रखना है आपको, 30-25 हम रखते हैं बेसिकली। अब इसको जो है दोस्तों यहाँ से मैं देख लेता हूँ एक बार, ये भी ठीक है, ये ओके है, और यहाँ पे क्लियरेंस जो है सेफ्टी डिस्टेंस को आपको रखना होती है, तो हमें जो 50 रखेंगे, और एक्सेल एक्सेल दोनों करना है, पता है आपने सीन सर बार देख लिया इसको। अब उसके बाद इसको भी हम क्या कर देंगे, बिल ऑपरेशन कर देंगे। अब दोस्तों इसमें थोड़ा सा टाइम लगेंगे, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिकल चीजें करना होगा, अगर आपको एडवांस लेवल में करना है तो आप मेरे से जुड़ सकते हो, मेरा पेज सेक्शन में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो है रेस मशीनिंग करेंगे उसके बाद, तो इसको ऑन कर लेता हूँ मैं। रेस मशीनिंग में आपको कौन सी टूल लगानी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें बोल नोस चलाएंगे। कितने का लगानी है आपको, यहाँ पे हम 3 का चलेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर रेस मशीनिंग हो रहा है, तो 6 का मैं पहले चलाया था, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, बोनस लगाएंगे। ओके कर दूंगा मैं इसको, पीस को सिलेक्ट करके ओके सेम करना है, इसमें कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेना है। इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ ऊपर तक, या तो दिल के ऊपर आ जाएगी, राइट क्लिक करेंगे, फिर इसके हम बाउंड्री सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। बाउंड्री में जाना है, तो जितना भी बाउंड्री है इसको बाउंड्री को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसको मैं पास बाई एरिया, इसमें ध्यान रखना है जब भी इसको आप रेस मशीनिंग करोगे पास बाई रेस एरिया, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ऑटो के जगह मैं क्या कर रहा हूँ रेस बाय एरिया। मैंने पहले कितने का रेस मशीनिंग में क्या होते हैं, पहले के ऑपरेशन हम मशीनिंग करते हैं, तो पहले तो मैंने 6 का टूल लिया, मैंने यहाँ पे 6.5 क्यों ले रहा हूँ, ठीक है। तो 6 देखो, पहले मैंने 6 का डायमीटर का टूल लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 6.5 लिया, क्यों लिया, तो यही चीज तो आपको बताना है। ये सब चीजें तो आपको एक एक्सपीरियंस बंदे ही बता सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे कोई ट्रेनिंग सेंटर वाले नहीं बता पाएंगे। 6.5 मैंने इसीलिए लिया, इसलिए मैंने 6.5 लिया क्योंकि कभी कभी ना लाइन छोड़ देते हैं, तो रेस मशीनिंग को लाइन को हटा देते हैं, वो फिनिशिंग आ जाती है। कभी कभी आप देखते हो टूल में, जब टूल देखते हो तो क्या आते टूलिंग का लाइन आती है, आते हैं ना, बहुत एक्सपीरियंस बंदे भी करते हैं जिसको पता नहीं है सब चीजें। तो हम 6.5 रहोगे ना वहां पे आपको लाइन नहीं दिखेंगे, फिनिशिंग अच्छा मिलेगा आपको, ठीक है। और इसमें हम स्टेप ओवर जो है 0.05 रखेंगे, एज इट इज स्टेप डन हम जो है इसको थोड़ा कम कर देंगे, 0.05 कर देते हैं इसको। लिमिट वगैरह एज इट इज रखेंगे, कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद जो यहाँ पे सेफ्टी डिस्टेंस 10 mm की जगह 50 mm कर दूंगा मैं, और यहाँ पे मैं वर्टिकल जगह एक्सेस और एक्सेस कर दूँ, ठीक है, ओके कर दो इसको। फिर इसको भी आप राइट क्लिक करके, अपने ऑलरेडी बाउंड्री ले लिया है, हम इसको बिल ऑपरेशन कर देंगे। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, अब देख रहे हो यहाँ पे मशीनिंग हो गया है, हम इसको अभी एनिमेशन करके देखेंगे कहाँ पे क्या मेटल काट रहा है, कैसा क्या हो रही है, ठीक है। आगे वाले आने वाले जो अगले वीडियो होगा तो उसमें मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, अगले वाले वीडियो में दिखाऊंगा जहाँ पे रनर होती है, ठीक है, रनर वगैरह एरिया में कैसे अब कोई बंदा बनाने जाएगा, इसमें बहुत टाइम लगाएंगे। हम आपको ऐसे तरीका बताएंगे कि आपको इसमें 15-20 मिनट में हो जाएगा, 15-20 मिनट में हो जाएगा, ऐसा तरीका बताने वाला हूँ मैं आपको। और इतना मैं आपको शॉर्टकट तरीके से, और बहुत तरीका है, ठीक है ना। हम अलग अलग, देखो आज हम एक प्रैक्टिकल मॉडल पे काम कर रहे हैं जो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो हर एक मॉडल में आपको अलग अलग तरीका मिलेंगे, अलग अलग नॉलेज मिलेंगे, तो उस तरीके से होती है। तो ये मेरा पेड क्लासेस है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसे अभी इसको होने देते हैं, फिर इसकी हम जो है इसके बाद जो यहाँ पे स्लॉट कटूंगा, फिर जो है मैं आपको इसकी सारा जो है कैसे चल रहा है काइनेमेटिक दिखाऊंगा, कैसे चीजें चल रहा है, कहाँ पे मशीनिंग हो रहा है, कहाँ पे टूल पॉलिश हो रहा है, तो यहाँ पे हम सारा चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा पॉज कर लेता हूँ वीडियो को। तो दोस्तों अभी मेरा जो है ऑपरेशन बिल्ड हो गया, तो सबसे पहले हमने रास्टर चलाया था, रास्टर में देखो हमने यहाँ पे जो भी एरिया है वो कट हो गया, फिर उसमें जो रेस मशीनिंग है जहाँ पे रेडियस वाले एरिया है, तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया रेस मशीनिंग हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेस मशीनिंग वगैरह कर सकते हो। अब दोस्तों इसका हम क्या करेंगे, काइनेमेटिक करेंगे। तो काइनेमेटिक से पहले हम इसकी क्या लेना पड़ेगा, एक स्टॉक लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फीचर में जाऊंगा, राइट क्लिक यहाँ पे करना है, तो इसमें आपको क्या करना है, एड स्टॉक बाई ऑफसेट और एड स्टॉक फ्रॉम बाउंड्री बॉक्स, इसको आपको ऑन कर देना है, ठीक है। तो इसका अगर नाम वगैरह कुछ रखना है तो आप रख सकते हो, तो हम इसको सिंपल एक नाम रख लेते हैं, ठीक है, स्टॉक नाम से आगे मेरा यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑपरेशन में है, ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी ऑपरेशन है इसको मैं सिलेक्ट कर लेना है, राइट क्लिक करना है, फिर काइनेमेटिक सिमुलेशन में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम लगेंगे क्योंकि यहाँ पे जो सिमुलेटर है तभी ये ऑन होगा। ऑलरेडी मैं मास्टर कैम में भी दिखाया आपको इस तरीके से करना, ठीक है। तो इसको मैं विंडो को लॉक कर लेता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे सारा मशीन वगैरह आ जाएगा, जैसे वेरो का मशीन आ रहा है, तो इसको हम पहले हाइट करेंगे, क्या क्या चीज़ें हाइट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बस टूल दिखाऊंगा, प्रोफाइल दिखाऊंगा और इसकी ऑपरेशन जो टूल पार्ट है वो दिखाऊंगा, कैसा काम हो रहा है, बाकी सारा चीज़ें मैं यहाँ से आपको हाइट कर दूंगा, ठीक है।
तो दोस्तों मैं यहाँ पे सबसे पहले सेटिंग में जाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा यहाँ पे, फिर मशीनिंग पे जाऊंगा विंडोज में जाके। तो यहाँ पे मशीनिंग ऑन हो जाएगा। इससे क्या कर सकते हो, कोई भी मशीनिंग पार्ट को हाइड करना है तो हाइड शो करना है शो कर सकते हो। तो मेरे को क्या करना है, हाइड करना है, तो हाइड कर दिया मैंने यहाँ से। तो मेरा सारा जो मशीन ऑपरेशन है यहाँ पे हाइड हो जाएगी। तो मेरे को यहाँ पे स्टॉक को ऑन करना है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉक आ जाएगी। तो मैं इसको फिट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा जो फिट हो जाएगी वो फिट आ जाएगी। तो इनिशियल स्टॉक या स्टॉक जो भी आपको यहाँ पे ऑन करना है तो आप इनिशियली ऑन कर सकते हो, आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। जो भी चीज है आप यहाँ से भी ऑन कर सकते हो। जैसे अगर मैं मान लो मेरे को यहाँ पे स्टॉक ऑन करना है, जो भी मेरा स्टॉक है, तो यहाँ से भी मैं शो कर सकता हूँ। तो बेसिकली सेम चीज होगा, थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया है, तो इसको हमने फिट कर दिया है। तो आपको स्टॉक ऑन करना है, उसके बाद क्या करना है, इसको हम रन कर देंगे, ठीक है। तो जैसे रन करोगे, यहाँ पे कटिंग हो रहा है, हमने टूल शो करना पड़ेगा, टूल को हम शो कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो भी टूल चल रहा है मेरा, जैसा भी चल रहा था, यहाँ पे आपको पता लग जाएगा। तो थोड़ा सा इसको मैं फास्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट कर दोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो टूल चल रहा है, थोड़ा सा स्पीड कम करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे देख रहे हो कैसे चल रहा है। तो इसी तरीके से जो ये काटते जाएंगे, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। तो जो जो ऑपरेशन चलेंगे यहाँ पे आप देखते जाओगे। तो दोस्तों अभी जैसे ये प्रोग्राम है, बहुत टाइम लगाएंगे, तो इसको जो है मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम से क्या कर दिया, यहाँ पे फोर्ड कर दिया। तो अभी मेरा इसकी जो पहला ऑपरेशन था, मेरा रफिंग हो रहा था, तो रफिंग में बहुत टाइम लगता है। तो मैं इसको क्या कर दिया, इसको मैं कर दिया स्किप कर दिया। तो अभी मेरा जो प्रोग्राम था रफिंग में क्या क्या होगा वो आप देखोगे, तो थोड़ा सा इसको होने में टाइम लगेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, जो जो मैंने ऑपरेशन किया था, हर एक ऑपरेशन में आपको दिखाऊंगा क्या काम हुआ था इस ऑपरेशन में, क्या प्रॉब्लम आया था, तो हर एक चीज इसमें हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो है, वो चीजें मैं हर एक चीजें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। जो पेड क्लासेस होती है वो उसमें मैं डिटेल में बतावा दे, तो उसमें वीडियो भी बनती है। तो इसमें आपको यही चीजें ध्यान रखना है। तो हर एक चीजें जो जो आपको अगर कुछ चीजें समझ नहीं आए वो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो इसी तरीके से वीडियो में बनाता रहता हूँ। जो भी पेड क्लासेस वगैरह लेने, ऑलरेडी मैंने कुछ टाइम हो गई तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं बिजी था, काम भी बहुत ज्यादा थे और स्टूडेंट भी ज्यादा हो गए, तो उन लोग को भी टाइम देना चाहते जो भी पेड स्टूडेंट है। तो आज इसीलिए मैं सोचा एक प्रोग्रामिंग का वीडियो लिया गया था, आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूँ, थोड़ा आप चीजें को थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करूँ। तो बस 89% हो गया, अभी जैसे ये खत्म हो जाएगा तो अभी जो है दूसरा ऑपरेशन जो है रन कर देंगे हम इसको। तो इसमें जितना भी टोटल ऑपरेशन है आप इसको रन करके देख सकते हो कैसा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, इस तरीके से आप देख सकते हो। वैसे हमको जरूरत नहीं पड़ता है, पता लग जाता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या चीजें आएगी। देखो आप यहाँ पे जैसे हो गया है, अब इसको हम सेकेंड ऑपरेशन को रन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सेकंड ऑपरेशन होगा, तो यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है, कैसा हो रहा है, तो हर एक जगह में हम इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मशीनिंग हो जाएगी। तो इसको मैं पॉज कर लेता हूँ, पहले इसको होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे हो रहा है, तो दोस्तों इसमें मैं एक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे आपको पता नहीं है मैं कौन सी ऑपरेशन अभी चल रहा है, इसको पता करना है, आप रिपोर्ट में जाना है, तो आपको देखना है कितने का टूल चल रहा है। यहाँ पे 15 चल रहा है, कौन सी बुलनेस हो गया। अभी आपका सेकंड ऑपरेशन जो पहला रफिंग ऑपरेशन हो गई, फिर आपका जो सेकंड है, सेकंड ऑपरेशन में कितना 16 का चल रहा है बोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर एक चीज पता लग जाएगा कौन सी ऑपरेशन चल रहा है, कैसे ऑपरेशन चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको देख सकते हो, और इसमें कितना लीड टाइम वगैरह रहेंगे, कितना टाइम में फिनिशिंग होंगे, अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम आ रही है, तो वो भी चीजें मैं डिस्कस करूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये वाला वीडियो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पीस चाहिए तो मैं डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड करके आप मेरे जैसे मैंने बनाया आप वैसे वैसे ट्राई कर सकते हो, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि सारा चीजें मैं प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ आज। तो इसको मैं पॉज कर लेता हूँ, फिर मैं आपको अगले कमांड में ले जाता हूँ। तो दोस्तों इसको हमने स्किप कर दिया, कुछ नहीं करना, जो भी ऑपरेशन रन होता है इसको आपको पॉज करना है यहाँ पे और इसको स्किप कर देना है, ठीक है। ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा बन जा रहा है, तो मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे स्किप करना पड़ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है चीजें हैं हम बात करके इसको बना रहे हैं, ऑलरेडी क्लास चल रहा है, तो आपको मे बी मिक्स थोड़ा सा और नॉइस मिल रहा है। कुछ कुछ चीजें हम स्किप कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी किसी चीज का डाउट हो जाती है, कभी कभी किसी चीज का क्वेश्चन हो जाती है, तो वीडियो को पॉज करना पड़ता है। मे बी आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि हमने बहुत मेहनत लगती है, आपको पता है एक वीडियो करने में ना बहुत टाइम लग जाती है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि हम कुछ कुछ चीजें होती है, जैसे हम कंपनी में काम करते हैं वो चीजें शेयर नहीं कर पाते, तो आप फिर आके अलग से उसमें वीडियो बनाओ, तो इसमें मेहनत लगती है। अगर आप लोग सही रेस्पॉन्स दोगे तो और वीडियो बनाने में कोई मुझे दिक्कत नहीं है, तो बस रेस्पॉन्स सही आना चाहिए, कैसे आप ट्रीट कर रहे हो, कैसे उस चीज को ले रहे हो, मे बी आप लोग को कुछ प्रॉफिट होना चाहिए, बस ये मेरा ख्याल है। तो पहले दोस्तों इसको 9% हो गया है, इसको पहले होने देते हैं।
फिर उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ इसमें नेक्स्ट हम क्या स्टेप लेंगे। और यहाँ पे अगर ऑपरेशन देखना है तो आप यहाँ पे ऑपरेशन देख सकते हो। तो दोस्तों इसको मैंने हटा दिया, एक्चुअली बहुत टाइम लग रहा था, 24 मिनट लग रहा था। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे मेरा रेस्ट मशीनिंग हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रह गया है, उसके बाद हम फिनिशिंग करेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे रफिंग हो रही है फिलहाल। तो इसी तरीके से हम इसको कटेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेंगे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा इसमें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि बहुत टाइम लगती है और बहुत मेहनत भी लगती है, टूल चल रहा है आप देख पा रहे हो। थोड़ा इसको मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, यहाँ पे सारा चीजें चल रहा है। मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे जो काइनेमेटिक्स होते हैं इसमें टाइम लगती है और इसमें सारा चीजें पता लग जाती है, कहाँ पे क्या एरर आती है, क्या चीजें हो सकती है। तो मैं लास्ट में दिखाता हूँ आपको, ये बल्ब प्रोग्राम पहले होने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटली 87% हो गया है, अभी बस एक मिनट बाकी है। तो यहाँ पे मेरा रेस्ट मशीनिंग हो गया है, अभी मैं इसमें फिनिशिंग चलाऊंगा एंड मिल का, फिर जो मेरा ड्रिलिंग ऑपरेशन है। तो आज का वीडियो मैं इतना तक रखूंगा, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इसके मैं कंप्लीट कराऊंगा, कंप्लीट फिनिशिंग दिखाऊंगा, हर एक चीज़ में डिस्कस करूंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, मैं लास्ट में दिखाता हूँ आपको कैसे बनेगा। तो इसी तरीके से आपको करना है, और जो भी क्लासेस वगैरह लेना चाहता है जो भी बंदे हैं, तो मेरे से डायरेक्ट मेरा मेंशन नंबर है वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो भी क्लास वगैरह है आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, नीचे नंबर मेंशन है। तो पहले इसको होने देते हैं, फिर मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मेरा ऑपरेशन है फिनिश हो गया है, तो मैं इसको मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आइसोमेट्रिक करके आप देख सकते हो। तो इसको मैं एक बार टॉप व्यू भी दिखा देता हूँ आपको कैसे ये है। तो यहाँ पे मेरा जो इतना भी प्रोग्राम था तो यहाँ पे हो चुका है, अब इसकी जो है हम बाकी का ऑपरेशन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेस्ट मशीनिंग होती है उसमें ज़्यादा टाइम लगती है, बाकी तो फिनिशिंग में जल्दी हो जाएगा आपका। तो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो जो ऑपरेशन होगा वो एक बार में होते जाएंगे, तो इसको हम नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे। तो इसको मैं प्ले कर दूंगा, तो यहाँ पे आप जैसे देखोगे फिनिशिंग चलेंगे फिर। तो थोड़ा सा यहाँ पे वो यहाँ पे देख रहे हो आप दोस्तों, तो यहाँ पे मेरा जो ऑपरेशन चल रहा है तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेंगे आपका। अगर इसको मैं स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दो, इसको स्किप करके देखते हैं हम। तो यहाँ पे इसको पॉज करके लाइक इस तरीके से हम स्किप कर दो आप, तो इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, इसी तरीके से आपको करना है। तो यहाँ पे जैसे आप 40 मिनट दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो अब जैसे मेरा हर एक ऑपरेशन होती है, कौन सी ऑपरेशन कितना टाइम चलेगा, कितना लंबा हो, वो भी आप देख सकते हो, वो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। तो एक वीडियो में ज्यादा चीजें मैं दिखा दूंगा तो फिर आप कॉन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हम हर एक चीजें में अलग स्टेप वाइज चलेंगे, कि आप पहला क्लास में ये होगा, सेकंड क्लास में ये होगा, लाइक हम इसी तरीके से चलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेंगे, मैं इसको पॉज कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो आज के लिए इतना रखते हैं, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर दो, जो लोग ऑलरेडी प्रोग्रामिंग करता है उसको पता होंगे, और जो जो लोग ने जो जो प्रोग्रामर है जिसने इसने देखा है टूल रूम्स है, वो नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दे, और जिसको भी ये सब फाइल चाहिए वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर ले, अपना अपना ईमेल आईडी डाल दे कमेंट सेक्शन में, और जिससे भी ट्रेनिंग लेना है वो मेरे को नीचे मेंशन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकता है। ऑलरेडी मैं प्रोवाइडेड जो नंबर वगैरह है मैं डाल रखा हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।